तो क्या हाल है? और इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि लिच यार्ड में स्पेक्टर नाइट को कैसे हराते हैं और स्पेक्टर नाइट तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो फिर बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आओ शुरू करते हैं। तो ऑफ कोर्स इट्स शवलिंग टाइम, और मतलब बेसिकली जो शुरुआत में हमको ये दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ग्लूमी ग्लूमी टाइप का कोई जगह है। और फिर तो अब इसमें ये जो है नया, ये है, ये कुछ किसी टाइप की ये ब्रांच वगैरह है, और इसमें मेंढक टाइप विलन है कुछ। और अरे बाप रे, ये तो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, तो इधर से बच के रहना पड़ेगा। मतलब एक तो मेंढक वो है जो पहले से कूद रहा है, और फिर एक मेंढक वो है जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, और जो मतलब पहले से नहीं कूद रहा है मगर। अरे बाप रे, ये क्या था? पता नहीं क्या है। अरे क्या बात है, वाह वाह। तो ये वाली जो लेवल है ये थोड़ी सी उसी का मतलब सेम ही है। मेन कुछ विलन्स बदले हैं, कुछ टाइप की चीजें बदली है, बाकी प्लेटफॉर्मिंग वगैरह और फिर लेवल डिज़ाइन तो लगभग सेम लग रहा है मुझे। तो ये हेडलेस वाले इसमें अलग टाइप के भी हैं। अरे यार, अपने को उस पे बाउंस करके ऊपर जाना था पर हम वो नहीं कर पाए, मैं भूल गया, मुझे वो दिखाई नहीं। तो W दबा के, J दबा के मार के देखा एक बार, और फिर किसी तरह अगर हम उसके ऊपर अगर चढ़ जाए अगर, तो फिर बहुत आसानी पड़ती है, बस उसका वो बड़ा ही मुश्किल है। और बढ़िया, और फिर हमें लाइफ भी मिली, बढ़िया। तो मतलब ये ऐसे बीच बीच में एक एक मिनी मिनी बॉस होता है, जैसे कि किंग वाले उसमें वो था, वो जो क्लॉ मार रहा था और फिर मुंह से एक अरे ऑफ एक वो छोड़ रहा था, फायर बॉल टाइप जो छोड़ रहा था, वो मिनी मिनी वो बॉस था पिछले पिछले इसका। और यहाँ पे मिनी बॉस ये है, स्केलेटन है। अच्छा है, बढ़िया है। ये टाइमिंग वगैरह पे ये सब गेम बहुत करते हैं डिपेंड। और फिर अब देख रहे हैं कि हम इसमें यहाँ पे भी होगा कुछ ज़रूर। ये तो मतलब ये भूत को मारने का कोई तरीका नहीं है, उसको बस एक ही मारने का है तरीका, ये कि उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम डिसेबल कर सकते हैं बस। और ये बीच में माउस दिख रहा है, आई एम सॉरी। अरे बाप रे, यहाँ खाई थी, बच गए। और यहाँ से ऊपर जाने का तरीका शायद यही है, और यहाँ से एक और ये, और फिर यहाँ से एक कूदेंगे, और यहाँ से एक और कूदेंगे, और फिर अब फिर से आगे लाइट। ठीक है, बढ़िया। ये क्या बात हुई, कभी कभी अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो होगा उसमें चिकन वाला, यानी कि हेल्थ बढ़ाने वाला, पर अच्छा, ये है डबल डबल वाला। ये तो इसे पहले ऊपर करेंगे और फिर इसे ऊपर करेंगे, इसे ऊपर करेंगे, इसे ऊपर करेंगे, और फिर ऊपर जाएंगे बिल्कुल से। तो इधर भी लाइट नहीं है, और फिर हम सही जगह आ रहे हैं या नहीं पता नहीं, सही जगह लैंड तो किए हैं। और फिर हमें मिल गया है म्यूजिकल नोट, तो इसे, और यहाँ पे आ गए हैं, और ओ बाप रे, एकदम हम एच पे किए लैंड। और बढ़िया, चलो आगे बाहर। ठीक है, अच्छा, तो ये थोड़ा हेलिश टाइप दिखाने को कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अरे बाप रे,
अच्छा, तो ये वेट पे कर रहा है डिपेंड कि कितना है वेट। बहुत बढ़िया है यार, सही है ये तो। तो भाई ऐसे ही इसमें इसी टाइप के बहुत सारे मैकेनिक्स हैं। तो ये तो अभी आसान है, मैं तो बता रहा हूँ सच में, अभी तो ये सब कुछ बहुत आसान चल रहा है अभी तो। मतलब ये चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड में अपन घूम रहे हैं, पर जब ये गेम अपनी जब सच में जब अपने उस पर आएगा तब इसका कुछ और ही लेवल है फिर। और फिर मैं तुमको बताऊँ, जब अगर इस टाइप की गेम खेलने में, मतलब कि एक कोई ऐसा गेम कि मतलब उसमें तुमको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यही टाइप की गेम होते हैं जो असल में बहुत लेके आते हैं मज़ा। क्योंकि मतलब यार एक अचीवमेंट टाइप लगता है ना कि यार मतलब कुछ किया है अचीव टाइप। एक तो लाइफ बड़ी कम हो गई है, ये वाला मेंढक बहुत खराब है, तो हमें इसको क्या लेके आना है, फिर यहाँ लेके आना है, और फिर उसके बाद फिर हम ताकि यहाँ पे आ पाएंगे। और क्या इस तरफ कोई जाने का नहीं था तरीका? ठीक है, कुछ नहीं लग रहा है। और फिर अरे बाप रे, कहाँ आके गिर गए। अब लाइफ बहुत कम हो गई है, अगर अभी कुछ नहीं मिला तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो मिला यार। ठीक है, तो ये हम आ गए हैं एक और चेक पॉइंट पे, और फिर यहाँ पे ये जो एक और रखा है स्कल, इसका काम ये आएगा कि हम इसको यहाँ से उठा के हम इसको लेके आएंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद फिर जाएंगे लेके। एक लाइफ तो वैसे ही कम हो गई। ठीक है, आ जा। बहुत बढ़िया, काम ही तमाम हो गया उसका। तो फिर ऊपर चलते हैं, ये क्या है, इसको लेंगे। तो हमको ये लेवल चालू किए हुए कितनी हो गई देर? एम सॉरी, मैं छींक रहा था। यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? ये इससे इससे हेल्थ ही होती है ना कम यार ये। अरे बाप रे, पता ही नहीं ये कहाँ, ये कहाँ गए। और ये हमने ऐसे मार दिया, ये इसमें से हेल्थ मिल गई, और फिर ये आ गए ऊपर। और फिर अरे अरे अरे, जाओ जाओ ऊपर जाओ भाई। और ये हमें आ गया एक और चेक पॉइंट। अब इतने सारे ये थे, ये वाले छूट गए, पर हम ले नहीं पाए। अब ठीक है, अब कोई फायदा नहीं। ठीक है, हमने एक इसको मान लिया है, और फिर अब ये यहाँ पे था थोड़ी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही पतला है, पर हमने कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पे थोड़ी आएगी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइमिंग की आएगी दिक्कत। और फिर मतलब सेम टाइम पे अगर हमें दिख भी जाए और फिर प्लेटफॉर्म भी हो जाए कवर, तो फिर और हम इस वाले को हम मार सकते हैं W दबा के, J J दबा के। तो अगर वो सेम आए लेवल पे तो फिर मरा क्या, पड़ा उसको। हाँ, एक पड़ा, बढ़िया है। तो ये हो गया, और फिर अब बस आखिरी में अब यहाँ से एक तो ये करना है कवर पर, ये बार बार भूत आएगा बीच में हमें। ठीक है, और फिर उसके बाद अरे बाप रे, ओ शिट। तो ये पहली बार हमारे, और फिर
है, तो ठीक है, वो इतना था नहीं दूर, कर सकते हैं ऐसा, बहुत कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो गया। पर तुम लोग देख रहे होंगे कि अब मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ता जा रहा है, और ये अच्छा है, डिफ़िकल्टी बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि वरना गेम में क्या आएगा मज़ा, अगर सब कुछ अगर एक बाएं हाथ से अगर होने लगा तो। अरे यार नहीं, मैंने क्यों बोला ही शिट, अब थोड़ी सी हो गई दिक्कत, क्योंकि हमने पहली वाली जगह पे हमने अपने पैसे रिकवर नहीं किए और फिर हम पहली में मर गए उसके, तो ये बहुत बड़ी हो गई दिक्कत। और एक तो ये वाला इतना नीचे है कि इसे कैसे लेंगे। ठीक है भाई, ले लिया किसी तरह। फिर आगे, इसलिए मैं मतलब ज़्यादा पैसे अगर हो तो फिर एक टेंशन ही होता है। ठीक है, तो ये भी मर गया, और फिर हम इसे आसानी से मारने को चलेंगे डब्ल्यू वक्त जी के, तो ये भी मर गया है। फिर हम अब यहाँ आ गए हैं, और फिर आखिरी में बस यहाँ से करना है कवर, और यहाँ पे, और आखिरी में यहाँ पे ये करना है कवर, और फिर बच गए, फिर से मरने वाले थे पर बच गए, और फिर हम आ गए हैं चेक पॉइंट पे। तो ये मुझे लगता है कि ये है आखिरी चेक पॉइंट, और फिर यहाँ से अंदर आने पे आएगा स्पेक्टर नाइट। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेक्टर नाइट को कैसे हराते हैं, स्पेक्टर नाइट के मूव्स क्या है, कैसे है, और क्या इस बार भी इतने ही आसानी से क्या ये मर जाएगा जितना किंग नाइट मरा था। तो यही सब कुछ, और भी इसके अलावा और भी कुछ जो भी होगा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर तुम ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, तुम इसे शेयर कर सकते हो, और फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो ये चैनल को। अगर तुमको गेमिंग पसंद है, अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद है जिसमें मतलब ऐसे सिंपल बात करते हो और फिर कोई ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं हो रहा है, बस सिंपल गेम है और फिर कॉमेंट्री है, तो अगर तुम अगर इसे लाइक करते हो तो फिर तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर सी यू नेक्स्ट टाइम।